हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, हम देख ही चुके हैं सब सीरियल्स की टीआरपी वगैरह। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली देखने वाले हैं कि वीक 25 ने जी टीवी के सीरियल्स ने कैसा परफॉर्म किया, कैसी परफॉर्मेंस रही है, किसकी टीआरपी में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली या फिर नहीं मिली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी टीवी के शोज़ की टीआरपी को देखना। तो गाइज, मैत्री इस हफ्ते 0.3 की टीआरपी लेकर आया था, तो ये हर हफ्ते पुअर ही परफॉर्म कर रहा है, चैनल के लिए कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट सीरियल मीत, तो इसकी टीआरपी 0.5 है, तो अब 0.6 तक भी पहुंच नहीं पा रहा है मीत। और जनरेशन लीप कुछ खास काम किया नहीं है शो के लिए टीआरपी के मामले में। उसके बाद है मैं हूं अपराजिता, जो कि 0.8 की टीआरपी लेकर आई है, जो कि अब हमें आने वाले हफ्तों से देखने को मिलेगा नहीं टीआरपी लिस्ट में, बट ठीक परफॉर्म करता था टाइम स्लॉट के हिसाब से। उसके बाद है राधा मोहन, 1.3 की टीआरपी के साथ डिक्रीज देखने को मिलता है इसकी टीआरपी में। आगे है 8:30 बजे पर आने वाला भाग्य लक्ष्मी, जिसकी टीआरपी सबसे 1.5 आई है, तो जी टीवी के लिए हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करता है ये सीरियल। उसके बाद है कुमकुम भाग्य, जिसकी टीआरपी हमें 1.3 देखने को मिलती है। और इसके बाद कुमकुम भाग्य का छोटा भाई जो कि कुंडली भाग्य है, उसकी टीआरपी 1.6 है। एक्चुअली कुमकुम से बेटर परफॉर्म कर रहा है ये, 1.6 की टीआरपी लेकर आया है। नेक्स्ट शो है रब से है दुआ, जो कि इस हफ्ते 1.0 की टीआरपी लेकर आया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है जी टीवी और टाइम स्लॉट के स्टैंडर्ड को देखते हुए। तो गाइस, ये थे जी टीवी के शोज़ जिनमें से जो एक मैत्री है और मीत है वो लो परफॉर्म कर रहे हैं, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी सब सीरियल्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपका फेवरेट कौन सा जी टीवी का सीरियल है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, और जी टीवी की टीआरपी और दूसरे चैनल्स की भी टीआरपी हर हफ्ते पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ में जो बेल आइकन यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक ज़रूर कर लीजिए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।